अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी? जब हम मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें सबसे बड़ा इशू इसी का फेस करना पड़ रहा होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का, जिसकी वजह से हम मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पा रहे होते और इसी की वजह से हम मार्केट में लॉस कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में होता क्या है कि अगर तो ट्रेड आपके फेवर में आ रही है तो आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि मार्केट में जैसे एक ट्रेंडिंग मूव लेती है तो आपको यही डर लगा रहता है कि कहीं मार्केट वापस ना चली जाए, जिससे हमारा जो थोड़ा सा प्रॉफिट है वो भी खत्म ना हो जाए। और दूसरी साइड पे क्या होता है कि जब भी मार्केट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है ट्रेड के, तो आप क्या करते हैं, उस ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, स्टॉप लॉस का यूज नहीं करते, जिसकी वजह से वो लॉस आपका बढ़ रहा होता है और जिसकी वजह से आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। अब एक जो थर्ड मिस्टेक है, अगर फॉर एग्जांपल आपकी ट्रेड आपके फेवर में आ गई है, आपने क्लोज कर ली, उसके बाद मार्केट एक और मूव लेती है उसी डायरेक्शन में आपकी फेवर में, तो आप क्या करते हैं, एक और ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट वापस कोई रिट्रेसमेंट लेने जा रही होती है, मार्केट चेंज ट्रेंड करती है, तो उसमें भी आपको लॉस हो रहा होता है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से इसको सीख सकते हैं इजीली। शुक्रिया।